लौंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस ना तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। अच्छा, और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का, तो कर दो। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तुम लोग ने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना, सबसे पहले तुम लोग को कॉइन क्लैश जो मोड है ना उसमें तुम लोग को आ जाना है, और ना जैसे तुम लोग कॉइन क्लैश मोड में आ जाओगे फिर तुम लोग को मैप खोल के देखना, तुम्हारा डैम ना जोन के बाहर होना चाहिए। अगर किसी गेम में डैम जोन के बाहर आता है ना, तो उसी वाले गेम में तुम लोग को इस वाले ट्रिक को करना है। और फिर तुम लोग करना है, तुम लोग एक जीप को ढूंढनी, और जैसे ना तुम लोग जीप को ढूंढ लोगे फिर तुम लोग ना अपने गाड़ी को चलाते चलाते डैम पे पूरा चले जाना है। और ना जैसे तुम लोग डैम किस वाले पानी वाले इलाके में आया तो ना फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग अपने गाड़ी को ना सीधे पानी में लेकर कुछ ऐसे घुसाना है, फिर तुम लोग देख सकते तुम्हारी गाड़ी ना पूरा अंदर जा चुकी है पानी के। और ना जैसे तुम लोग की गाड़ी पानी के अंदर चल जाएगी, उसके बाद तुम लोग को सरबोर्ड पे आना है, फिर तुम लोग को यहाँ पे आना है, और एक बार तुम लोग को मिनिमाइज करना है अपने गेम को, और फिर से वापस आ जाना है गेम में, फिर तुम लोग देख सकते तुम लोग भी पूरा पानी के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग पूरा पानी के अंदर आ जाओगे यहाँ पे ना तुम लोग अपनी गाड़ी को चला सकते हो, तुम लोग ना पूरा पानी के नीचे घूम सकते हो और देख सकते हो, और यहाँ से ना तुम लोग का डैम काफी बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग पूरा पानी में भी अपनी गाड़ी को चला सकते हो, जो कि ना काफी अमेजिंग और दिखने में भी काफी खतरनाक लग रहा है। मतलब कि अगर तुम लोग नीचे से देख रहे हो ना तो एरिया कितना बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे कोई तुम लोग का स्क्रीन शॉट भी मार के अपने फ्रेंड को दिखाते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाते हो, तो पूरा पगला ही जाएंगे कि कौन सी जगह है। मतलब फ्री फायर के मैप में ऐसे कोई जगह है ही नहीं अभी तक। और इस वाली ट्रिक को ना अपने फ्रेंड के साथ भी तुम लोग कर सकते हो, उन्हें यहाँ पे लाके ना अंदर गाड़ी में बैठा के कुछ ऐसे चला सकते हो, उन्हें घुमा सकते हो और दिखा सकते हो वाले ट्रिक। तो तुम लोग देखिए तो अपने पहले वाले ट्रिक ना कुछ अचानक भयानक भयंकर है, तो इस वाले ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपना मिनी लॉन्च पैड लेना, फिर तुम लोग को ना इस वाली जगह पे आ जाना जो अपना सेंटोसा के रिवर्स साइड होता है ना, तो इस वाली जगह पे तुम लोग को सबसे पहले आ जाना है। और ना जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओ फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड को लगा के इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है, फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा जमीन के अंदर आ चुके हो। और ना अगर यहाँ पे आके तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और कोई बंदा यहाँ पे आएगा ना लॉन्च पे देखे तो उन्हें तुम लोग बहुत आराम से मार सकते हो, और बहुत आराम से ना इस वाली जगह से बहुत सारे किल भी कर सकते हो तुम लोग। लेकिन ना यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को करना है कि तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना, और जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना फिर तुम लोग को दो तीन बार नीचे बैठना, उसके बाद देख दो तो तुम लोग पूरा नीचे पानी में आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग पूरा पानी के नीचे आ जाओगे ना यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो। यहाँ पे ना सरबोर्ड पे अगर तुम लोग खड़े हो जाते हो तो तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा आधा शरीर ना पानी के अंदर और आधा शरीर जमीन के ऊपर है। और ये वाली ट्रिक ना देखने में भी कुछ खतरनाक लग रही है, तो इस वाले ट्रिक के लिए ना एक सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से तुम लोग वीडियो को ना लाइक भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले यार ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स और वीडियोस डेली देखने के लिए। ओके, तो अभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को मिनी लॉन्च पैड लेके अपने जो रिमना विलेज होता है ना उसके इस वाली जगह पे आ जाना, और इस वाले घर के पास ना अपने मिनी लॉन्च पैड को कुछ इस वाली जगह पे ऐसे लगा देना है, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है। और ना जैसे तुम लोग गेम में वापस आओगे तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पानी के अंदर इस वाले घर में आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले घर के अंदर आओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और लिटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा, और ये वाली ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और ना अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो ये वाली ट्रिक तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे, और ना बहुत आराम से अपने स्क्वाड का और अपना रैंक पुश करा पाओगे। अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले उस जॉम्बी वाले मोड में आ जाना है, फिर तुम लोग एक जीप को ढूंढ लेना है, और जैसे तुम्हारे जीप मिल जाएगा ना फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग जीप के ऊपर कुछ ऐसे फुदक के चढ़ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग को जॉम्बी के एक दो ऊपर आ जाना है, फिर तुम लोग को ना जॉम्बीज को ऊपर ही मार देना गाड़ी के ऊपर। और ना जैसे तुम लोग पांच छह जॉम्बी को गाड़ी के ऊपर ही मार दोगे ना फिर तुम लोग को करना है कि तुम लोग जो गाड़ी होती है ना जीप उसको लेके भाग जाना तुम लोग इस वाली जगह से। और ना जैसे तुम लोग उस वाली जगह से अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाओगे फिर तुम लोग उसी वाली जगह पे जाना, और जैसे ही तुम लोग उस वाली जगह पे आओगे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम्हारी गन ना पूरी हवा में कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। और ये वाली ट्रिक ना देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, मतलब कैसे हवा में गन्स तैर रही है, जो कि देखने में ना काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है और काफी औसम भी लग रहा है। और अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो और उन्हें दिखाते हो वाला ट्रिक तो ऊपर पगला ही जाने वाले ना क्या ही ट्रिक है, अगर कोई नेमी भी इस वाले ट्रिक को देख के यहाँ पे लूटने आते हैं तो मतलब ऊपर पगला ही जाएगा कि गन्स हवा में कैसे हैं। सही खेल गए बेंच।
तो अभी अपने पांचवे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को लॉबी में आ जाना, फिर तुम लोगों को वेपन में चले जाना। और जैसे तुम लोग वेपन में आ जाओगे ना, यहाँ पे तुम्हारे जो गन का ग्लोरी में तुम लोग जो अपने रीजन स्टेट पे जहाँ पे भी होना है इंडिया पे हो, तो उस वाले गन के तुम लोग सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा भाई ना एके पे अभी दो नंबर पे बिहार में, तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग सीधे लॉबी में चले जाना है। तो जिस गेम में तुम्हारा वेपन ग्लोरी है ना रीजन पे, उसमें तुम लोग को आ जाना है। फिर तुम्हारा जो सोइल लॉबी दिखाई दे रहा है नीचे, उस पर तुम लोग को टैप टैप करते रहना 10-15 बार। और ना जैसे ही तुम लोग 10-15 बार टैप टैप करते हो, उसके बाद तुम लोग गेम को काट के लॉबी में आ जाना। फिर तुम लोग देखते हो तो तुम्हारे करेक्टर ना क्या ही हरकतें कर रहा है, मतलब कि ना यहाँ पे तुम लोग देखते हो तो तुम्हारा करेक्टर ना कैसे हाथ में गन को ले रहा है और बार बार छोड़ रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस वाली ट्रिक को ना तुम अपने फ्रेंड के सामने भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। और अगर इस वाली ट्रिक को तुम्हारे फ्रेंड देखते हैं तो पूरा पगला ही जाने वाले कि क्या ट्रिक है वाली। अच्छा, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके, और हाँ, अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।